हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। तो जैसे कि अब ये शाम का समय है और शाम के समय की पूजा कर रहे हैं पतिदेव जी, और देखिए कि शाम सुबह दोनों समय आपके घर में दीप धूप जरूर से जरूर जलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए पर दीप और धूप जरूर जलना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो अभी मैं ये ब्लॉग शाम का मतलब कि 7 बजे जब दिया आरती करते हैं तब का स्टार्ट कर रही, तब से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी आपने देखा पतिदेव ने मस्त पूजा धूप बत्ती किया है। शाम की अगर वो घर पे रहते हैं तो मैं उनसे ही करने को ये सब चीज़ें लगाती हूँ और अच्छा भी लगता है। अभी वो जा रहे हैं नीचे थोड़ा सामान लाने के लिए। देखो जाने से पहले मुझे टाइम लगेगा ऐसा बोल के जा रही है। का टाइम लगना काम है मेरा। फ्रेंड्स लोग का ना जरा हेलो बोला, हाय बोला, हाय। मेरे पति देव जी कैसे दिखते बताना। और ना आप लोगों से एक चीज पूछो, इनके सर के बाल देखिए यहाँ आगे कैसे चले जा रहे हैं। तो मैंने इतना होम रेडीमेड किया, सब कुछ किया, और मैं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि वो भी हमने मंगाया पर वो भी फेक आया हुआ है आदिवासी हेयर ऑयल। और उनका ना बहुत ही लगाने के बाद भी कुछ भी असर नहीं हुआ। 6 महीना हम लोग लगा चुके हैं। अभी मैं वो बॉटल भी आपको दिखाती हूँ आदिवासी हेयर ऑयल की। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है, सच में मैंने बहुत सब कुछ ट्रीटमेंट कर ली उनके सर के ऊपर। तो अभी ये जा रहे हैं, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज खाने में बनेगा सिर्फ और सिर्फ दाल राइस और उसके साथ भिंडी की भाजी बनाने जा रही हूँ। तो भिंडी की भाजी एकदम सादी, भिंडी की मतलब भुजिया बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज दोपहर का खाना जो हमने खाया हुआ था वो दूसरे के घर पे था। मतलब जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हमारे घर के ऊपर ही है, उनके घर पे मतलब उनका कार्यक्रम था तो उन्होंने हमें बुलाया। यहाँ पे मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने सोचा कि भिंडी धो लेते हैं पहले, अच्छे से वॉश कर लेते हैं भिंडी। भिंडी को कभी भी अच्छे से वॉश करके उसका पानी अच्छे से सुखा लेना चाहिए। और आप पानी जब सुखा लेते हो ना तभी वो क्या कहते हैं कि लिबलिब नहीं होता। और अभी उसका भिंडी की भाजी दोस्तों बना लूंगी, क्यों होता उसके बाद फिर दाल फ्राई कर बनाने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ में राइस है, राइस भी एकदम प्लेन है, कोई जीरा राइस वगैरह नहीं बनाया मैंने। तो भिंडी फ्राई जो है ना ये मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली दाल चावल के साथ ना आलू की भुजिया अच्छी लगती है, पर मेरे पास भिंडी थी तो हस्बैंड जी ने बोला कि आप भिंडी बना दो, मैं भिंडी खा लूंगा। तो अभी भिंडी की भाजी बना। यहाँ पे ना भिंडी में ऐसे बीच में ना चीर लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से चेक कर लेती हूँ फिर काटती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कीड़े पता नहीं चलते, आप काटते जाओ तो फिर उसके साथ में वो भी कट जाते हैं। और दिखते तो है लेकिन ऐसे में एक बार आप देख लेते हो तो फ्री फटाफट कट भी जाती है भिंडी और आसानी हो जाती है चेक करने में, नहीं तो वैसे आप कब तक करते बैठोगे। उसके बाद एक कांदा ले लिया मैंने, कांदे को भी क्या कहते हैं कि बारीक बारीक काट लेना चाहिए। और ना जब आप भुजिया बनाओ ना तो एक बात का बहुत ध्यान रखना कि तेल जो होता है ना वो कम डालना चाहिए भुजिया बनाने के समय पे। और भुजिया जब बनती है वो आप उसमें पानी बीनी कुछ भी नहीं डालना चाहिए, और तेल थोड़ा कम आप डालोगे ना तो वो थोड़ा सा जब से मतलब थोड़ा सा जल जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने अब देखिए तेल लिया, थोड़ा सा ही डाला हुआ है आप देख सकते हो, और उसमें थोड़ा सा जीरा और मोहरी मतलब कि राई डालिएगा, उसमें सरसों और कांदा और हरी मिर्ची, इसी चीज़ का बस तड़का दीजिए। और लहसुन, पर लहसुन मेरे पास ख़त्म हो गया था तो आप खाली बस इनका और गैस थोड़ा फास्ट रख दीजिएगा। और जब आप अच्छे से कांदा ब्राउन कलर का हो जाएगा ना तो सच बता रहे हो इतना इतना अच्छा लगता है ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है, थोड़ा सा खाने में भी मज़ा आ जाता है। और जब आप दाल चावल के साथ में ना ऐसी भुजिया ही भाजी अच्छी लगती है, ज़्यादा करके मुझे तो आलू की भाजी अच्छी लगती है, बट आज भिंडी थी, इन्होंने बोला भिंडी इनका खाने का मन हुआ तो मैं बोली चलो भिंडी बना देते हैं। और देखिए जब आप फ्राई करोगे तो बहुत अच्छे से इस तरह से आपको फ्राई करना है, उसके बाद लो हो गया तैयार। अब भिंडी मैंने डाल दिया है तो भिंडी को भी इसको ढक के नहीं रखना है। अगर आप जब भिंडी को ढक के रखोगे ना तो क्या होगा ना उसका पानी रिलीज होता है जिसमें वो चिकटपना जो लिबलिब जैसा हो जाती है ना वैसी हो जाती है भिंडी। तो अभी आप देखिए ये भिंडी मेरी बन के रेडी हो चुकी है
और देखिए इसमें जरा सा भी लिपलिपना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल क्या बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। देखो कैसे अलग अलग है, जरा भी आपको लग रहा है चिकट है कि क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और थोड़ा वो जल जाता है ना तो और भी मस्त लगता है खाने में। और उसी के साथ साथ एक तरफ सॉरी दाल को भी मैंने तड़का दे दिया है, सॉरी दाल मतलब फ्राई कर लिया है, अभी ऊपर से तड़का देना बाकी है। तो कैसा आपको लगा भिंडी की भाजी मुझे बताइएगा, अगर आप लोग चाहते हैं मैं खाने की रेसिपी आपको शेयर करूँ तो खाना मुझे बन चुका है और बताइएगा। अब मैं आप लोगों की हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं वो आप लोग को आज इस वीडियो में बताती भी हूँ, साथ ही साथ और भी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अगर आपके घर का कोई भी सदस्य नहीं है तो आपको तर्पण जरूर करना चाहिए घर में, मतलब जो कि श्राद्ध होता है, श्राद्ध के दिन भोजन उनके नाम से, जो भी दिन आप किसी ब्राह्मण से पूछ लीजिए। अगर आप ब्राह्मण नहीं बुला सकते घर पे तो खुद से कीजिए तर्पण को घर में। कैसे करते हैं क्या करते हैं, जैसे एक थाली रखकर एक हाथ में पानी छोड़ के इस तरह से तर्पण दिया जाता है। और दूसरा चीज़ है सूर्य को जल, सूर्य भगवान को रोज काला तिल डाल के ना रोज जल देने से आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे कि ये सारी चीजें मैं करती हूँ हमेशा से, मतलब जब से मुझे पता चला इसके बारे में, और मेरे ससुर जी नहीं है तो मैं अक्सर इस चीज़ को मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड जी से भी सुबह सुबह कराती हूँ। हम लोग चाहे जब भी सो के उठें, ऐसा नहीं है कि ये मैं सोचो कि लेट हो गया है, हाँ ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ 12 बजे से पहले हो जानी चाहिए। और रोज रोज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको दही भात और एक रोटी दोपहर के 12 बजे तक, करेक्ट 12 बजे आपको एक रोटी कौवे के लिए निकालनी चाहिए। और रोज सुबह अगर आपके घर में अगर कोई भी पुरुष है मतलब जेंट्स है तो सुबह नहाने के बाद में ही उनको दीजिएगा दही भात, कहीं भी आपके टेरेस के ऊपर बालकनी में कहीं भी रख के जहाँ पे आके उसे कौवा स्पर्श करे, और उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल दीजिएगा। ये 15-16 दिन जो श्राद्ध पक्ष का होता है इसमें ये सारी चीज़ें का बहुत महत्व होता है। और तर्पण कीजिए, जितना हो सके उतना दान देने की कोशिश कीजिए। दान देते समय इस बात का एक ध्यान रखिए कि अपने पितरों का स्मरण करिए और उनसे जो कुछ भी हमसे गलतियाँ होती है ना उससे उन क्षमा मांगे, और उनसे हमेशा कहिए कि ये सब आपका ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब बस इतना हमें आशीर्वाद दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो घमंड होता है ना वो हमें लेट उठता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस ईगो में रहते हैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मैंने बनाया, ये सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो इसमें हम रह रहे हैं, ये भी मेरा, ये मेरा घर है, तो ये आपका नहीं है। जब आप खुद के पैसे से जब अगर लेते हो तो भी वो आपका नहीं है, वो जब तक आपके घर के, आपके पेरेंट्स, आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं, आपके कुलदेव का आशीर्वाद नहीं, आपके भगवान का आशीर्वाद नहीं, तब तक आप कुछ भी ले नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखो, सबका आशीर्वाद एक साथ मिलकर आना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। और देखो पितृदोष जिसके घर में होता है, सबसे पहला कारण तो यही होता है कि मतलब उनके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। और जिनके घर में कलेश होता है उन्हें इसके लिए कह रही कि रोज सूर्य को जल देना चाहिए आपको, अगर आपके घर में रोज कलेश होता है तो। और दूसरी बात यह है कि पितृ दोष के लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो पता नहीं हुआ, सबसे पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े होना, बिना फालतू के 1 रुपया भी घर में नहीं बचता है, खर्चा हो जाता है, जितना आप चाहते हो कोशिश बचाने की वो बचता नहीं है। और ज़्यादा करके आपके घर में एक मरीज ऐसा है कि जो कंटिन्यू आपके घर में वो बीमारी रहता है, एक ठीक नहीं हुआ कि दूसरा ठीक नहीं हुआ, मतलब वो बीमारी घेरे ही रहती है, ऐसा अगर कंटिन्यू चलता है। देखिए कभी कभी चलना और हमेशा चलना, जैसे कि अगर 1 महीने में एक पेशेंट बीमार है दूसरा घर का हो गया, ये नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप जैसे कंटिन्यू कि एक ठीक नहीं और पूरा सालों साल ऐसे ही चलते आ रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में पितृ दोष है और उस घर में संत वंश की वृद्धि नहीं होती है। या अगर किसी को बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपांग विकलांग, मतलब उस बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो पितृदोष का निवारण कैसे करें, पितृदोष दूर कैसे करें, पितृदोष को दूर करना बस अपने पितरों की सेवा करना। अगर आप सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, रेगुलर अगर आप उनके लिए एक निवाला एक घास निकाल रहे हो उनके नाम से और एक रोटी अगर आप कौवे को दे रहे हो तो भी आपका पितृदोष दूर होगा। पितृदोष निवारण मंत्र है, आप चाहे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च करते हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना तो आप एक मंत्र बोल दो। और अगर आपको बोलना भी नहीं आता है तो सुबह के समय क्या करना, आपको आपके यूट्यूब चैनल पर लगा दीजिए और उस गाने को सुन लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है हमारे लाइफ में। हमें हम सोचते हैं कि अरे वास्तु दोष कुछ नहीं होता, पितृदोष कुछ नहीं, बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, पर मैं तो भगवान से जितनी सब, चाहे तो पिचास हो चाहे देवी देवता, मैं सारी चीजों पर बिलीव करती हूँ क्योंकि जो मैंने फैक्ट मेरे लाइफ में देखा है उन सब के अनुभव से ही मैं इन सारी चीजों को मानती भी हूँ। और ये सारी चीजें मतलब मैंने झेली हुई है, खुद मेरे लाइफ में बता रही हूँ, तो इसके लिए मुझे उन पर ट्रस्ट भी है ना, इसके लिए तो मैं आप लोगों से सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और पितृदोष का जो, और जब लास्टवा दिन आता है, जब श्राद्ध पक्ष का सबसे लास्टवा दिन आता है
तो उस दिन हमारे पितृदेव को हमें रास्ता दिखाना होता है। तो उस दिन आपके यहाँ के कोई भी, अगर आप तो ऐसे रेगुलर अगर आप जाते हैं कहीं नदी के पास दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके घर में जहाँ मटका रखते हैं आप वहाँ पे दिया जलाइए। जैसे कि शाम के समय भी मैं जलाती हूँ और सुबह के समय, दोनों का समय अगर आप समझिए सुबह के समय नहीं जलाते हैं तो आप शाम के समय तो जरूर उनके नाम से जलाइए, और एक दिया आपके दरवाजे पर जरूर होना चाहिए। चाहे आप गाँव में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, कैसा भी आपका, चाहे झोपड़ा ही क्यों ना हो, पर आपके घर में एक दिया रोज, सिर्फ श्राद्ध पक्ष में नहीं, डेली आपके दरवाजे के बाहर एक दिया जलते ही रहना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखो जब श्राद्ध पक्ष में आप बाहर दिया जलाते हो उसकी बाती जो उसका दिए का रुख हो ना वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना, और इससे क्या होता है कि वो हमारे पितरों तक पहुंचता है, उनको शांति होती है। और सबसे पहले श्राद्ध की जो पूजा होती है तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्यों, उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे कि जब हमारे पितर इस समय धरती पर आते हैं जैसे सभी को पता है, और दूसरे के घर में जैसे वो खाना बनता हुआ देखते हैं तो उनके मुँह से एक लार टपकती है, और आपके घर में वो खाना नहीं बन रहा है और आप उनको भोजन वगैरह नहीं करा रहे हो, आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो जब वो लार टपकती है हमें श्राप देते हैं, हम जिंदगी में कभी सुख नहीं रह सकते, आपके आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस पीड़ा को भोगेगी। इसके लिए अगर अभी भी टाइम निकल गया, जैसे कि अभी जैसे 4-5 दिन अगर निकल गया फिर भी जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये सारी चीजें करो। तो उम्मीद करते हैं आपको पितृ दोष से जो कुछ भी प्रॉब्लम है और पितरों की पूजा श्राद्ध पक्ष में कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, पर जितना मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें करनी होती है उतना मैंने आप सभी को बताया। इतना भी अगर आप कर लेते हो ना तो भी आपके पितर हमेशा तृप्त ही रहेंगे, उनकी आत्मा को शांति ही मिलेगी, और वो इस धरती पर जब आएंगे श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ से तृप्त होकर के ही जाएंगे। और अब क्या बात करूं, मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब कोई इंसान है ना आपके साथ होता है तब आपको उसकी कदर नहीं होती है, और इंसान जाने के बाद ही हमें उसकी कदर होती है। तो लाइफ का पता नहीं क्यों ये दस्तूर ये कि जब वो साथ में है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, और हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, बातें कड़वी लगती अगर वो हमें कुछ भी समझाते हैं। मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ खोया है, सच बता रही हूँ, बहुत रिश्ते भी खोए हैं, बहुत बहुत कुछ खोया है, और फिर भी उस चीज़ को खोकर भी बहुत मजबूत बनी हूँ, और सिर्फ उसके एक ही रीज़न है, वो है मेरे हस्बैंड, मेरे पति, क्योंकि उनका सपोर्ट इतना रहता है मुझे कि वो हर कदम कदम पे मुझे समझाते रहते हैं। पर एक जो चीज़ जो मैंने मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा लॉस की वो है मेरे पापा, मतलब कि मुझे ऐसा था कि सॉरी, मुझे जब ये श्राद्ध पक्ष का दिन आता है, मेरे पापा को एक्सपायर हुए, 4 साल हो जाएंगे, कोरोना में एक्सपायर हुए थे, और जब पता है वो थे ना तो कभी उनकी बातों पे गुस्सा आता था, कभी उनके बिहेवियर पे गुस्सा आता था, और आज जब वो नहीं है तो पता चलता है कि पिता का साया सर पर एक छत जैसी होती है, और अगर वो नहीं है ना तो ऐसे लगता है कि वो छत हट जाती है। मेरे हस्बैंड भी हमेशा इस चीज़ को सोचते हैं, बोलते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी भी नहीं हैं तो वो अक्सर इस चीज़ को लेके इमोशनल होते हैं, पर वो कभी आज तक ना मेरी सास को इस बात को पता है, ना किसी घर वाले के सामने, ना उनकी बहनों के सामने, कभी किसी के सामने वो रोए नहीं, और उन्होंने कभी ये सब चीज़ें रो के दिखाई है कि वो उनके पापा को कितना मिस करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और मैं हमेशा ये दिन ऐसे तो पता नहीं चलता क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, लेकिन जब बाप की बात आती है, जब पिता की बात आती है, या कुछ ऐसा वीडियो आप देख लेते हो, या ऐसा किसी की चीज़ें, कुछ बहुत सारी ज़िंदगी में जो किसी की चल रही है और कुछ पता चलता है आपको, तब ऐसा लगता है नहीं यार, बाप होना चाहिए, चाहे जैसा भी होना पर वो होना चाहिए। और यही होता है कि अरे जब वो थे तब तो हमें वो बुरे लगते थे, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, गुस्सा आता था, चिढ़ होती थी, और आज उनकी वही सारी बातें हम याद करके रोते हैं, ये फैक्ट है। आप लोग के साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर मैं इस चीज़ से मैंने एक सीख ये ली है कि जब तक आपके पास जो कोई है तो उसकी वैल्यू करो, उसकी कदर करो, क्योंकि क्या है ना, जाने के बाद, रोने के बाद वो इंसान आपको देखने नहीं आ रहा है कि तुम कितना रो रही हो उसके लिए या क्या फ़ायदा है, जब वो जिंदा है ना तब उसके लिए रो के दिखाओ, तब उसे महसूस होगा, अपना प्यार व्यक्त करो सामने वाले से। मेरे जब पापा चले गए थे
तो मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, मेरे भाई बहन का क्या होगा, सबसे बड़ा कि अब मेरी माँ का क्या होगा, क्योंकि मेरी मम्मी को ना मैंने हमेशा ऐसे देखा हुआ है एकदम तैयार रेडी फुल, मतलब ऐसा कोई त्यौहार है तो बस हाथ में मेहंदी, यही सब चीज़ें उनकी मैंने देखी हुई थी। तो जब ऐसा हुआ तो कितने दिन तक मैं मेरी मम्मी का फेस ना देख ही नहीं पाती थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे उस चीज़ को फेस करूँगी मेरी मम्मी को, अरे मतलब टिकली नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ श्रृंगार नहीं है, कितने दिन तक मैं खुद श्रृंगार नहीं करती थी कि अपनी मम्मी के सामने मैं कैसे जाऊँगी इस चीज़ को लेकर के। कभी मतलब इतना वो टाइम है ना, भगवान ना करे कभी किसी की भी फैमिली के ऊपर आए, भगवान ना करे। देखिए जब बोलते हैं इंसान का समय है टाइम है आया है चला गया है, पर मैं ये चाहती हूँ ना कि नहीं यार, मैं बाप वो स्तंभ है, पिता वो स्तंभ है घर का, कि अगर वो है ना तो आपके घर की नींव कोई गिरा नहीं सकता, पर अगर वो नहीं है ना तो उस घर को गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और क्या है, सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं कि सब अप, क्योंकि आज की लाइफ में कोई किसी का देखता नहीं है, कोई संभालता नहीं है। आज मेरे भाई बहन हैं, कमा रहे हैं, जैसा भी जो भी कमा रहे हैं वो अपने पैर पे खड़े हैं, लेकिन बस कमा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगे, वो उन लोग की ज़िंदगी है। और बस मुझे उस चीज़ से ये है कि मैं हमेशा, जब से वो मेरे साथ हादसा हुआ, मतलब जब से हमारे साथ वो हादसा हुआ, चाहे वो मेरे खुद के मेरे भाई बहन हैं, हम लोग अगर मेरी मम्मी की इतनी सी भी तबीयत खराब हो जाती है ना, हम सब के सब डर जाते हैं, सब के सब डर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाप को तो खो दिया पर माँ को नहीं खोना है, उसके लिए साला चाहे कुछ भी हो जाएगा ना तो वहाँ तक चले जाएंगे, मतलब कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उसको नहीं जाने देना। बस ऐसा लगता है कि माँ की जो अहमियत है ना यार, कि माँ नहीं जानी चाहिए। और मेरी मम्मी, जैसे कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ तो उनका प्यार मुझ पर थोड़ा है ज़्यादा, अभी क्या बोल रही हूँ मुझे ही नहीं पता, ये मुझे शायद बोलनी चाहिए कि नहीं, और ये मेरे घर वालों ने अगर वीडियो देखा भी ना तो वो मुझ पर भड़केंगे चिल्लाएंगे भी कि मतलब इस तरह से क्या। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से रख रही हूँ कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसकी वैल्यू करो, मरने के मतलब कि एक किसी ने मुझसे एक बात कही थी कि एक माँ बाप चार बच्चों को पाल लेते हैं, एक माँ बाप चार बच्चों को पाल लेते हैं, पर वही चार बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को पालने में उनको भारी पड़ जाता है। और ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये रियलिटी इसमें कोई शक नहीं है। आज का जमाना इतना खराब आ चुका है, इतना मतलब कि इतना हो चुका है ना, कि लोगों ने इस चीज को मतलब मैं समझती हूँ जो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं ना उसे भगवान की भी सेवा करने की जरूरत नहीं है। सारा सब कुछ अगर आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मुझे लेट समझ में आई ये बात, पर समझ में आई, आ गई समझ में। और जब मैं हमेशा एक चीज़ यही सोचती हूँ कि मुझे ना मेरी माँ के लिए, मेरी मम्मी को मुझे वो सब खुशी देनी है, और भगवान ने चाहा तो आपकी लोगों की दया से यूट्यूब से कमाने भी लगूंगी तो खर्चा भी करूंगी। चार धाम घुमाना है और वो मेरा सपना, और मेरी सासू माँ को तिरुपति बालाजी लेके जाना है, उनका भी एक सपना है जो उन्होंने 2-3 बार बोला, और उनको प्लेन से लेके जाना है। तो सासू माँ को भी मैं अगले साल, हमने डिसाइड किया कि उन्हें ज़रूर लेके जाएंगे मैं और मेरे हस्बैंड उनको। और मेरी मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है तो जिसके लिए पहले उसे फिट करना है, अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी तब उस उनको भी मैं चार धाम घुमाऊँगी, ये मेरी इच्छा है, और उनको मैं लेके जाऊँगी। चार धाम कौन से होते हैं, जैसे कि ये नहीं कि जो यहाँ पे है केदारनाथ के जो चार धाम है वो नहीं, जो कृष्ण भगवान के चार धाम उसको चार धाम बोला जाता है। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होगा, वो तो लाइफ की जर्नी, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, आगे भी क्या होगा वो नहीं बोल सकते। लेकिन मैं आज के वीडियो में सिर्फ आप लोग से इतना बताना चाहती हूँ कि जब तक इंसान है उसकी कदर करो, इंसान जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, और पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की सेवा करो। और उसके अलावा भी आपसे कुछ दान नहीं होता ना तो आप 1 रुपये दान करो, रोज का आप 1 रुपये दान करो। आप 1 रुपये दान करोगे तो भगवान और आपके पितरों के नाम से, आप चाहे मंदिर में दान करो, चाहे आप ऐसे भिखारी को दो जिसके 4 हाथ पर सही सलामत है उनको मत दो, जो लंगड़ा है अंधा है ऐसे लोग को देना चाहिए। मैं तो ऐसे लोग को ही देती हूँ जिनके पैर हैं सही सलामत हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ ये
कमा खा सकते हैं, तो मैं ऐसे लोग को नहीं देती, मैं सच बता रही हूँ। मैं वैसे ही लोग को देखती हूँ और मेरे पति भी, हम लोग वैसे ही लोगों को देते हैं कि जैसे हमें लगता है कि यस इनको ज़रूरत है, नीड है इस चीज़ की, इनको ज़रूरत है, तो हम उन्हीं लोग को ही देते हैं। और इसमें जो होता है ना, आपको काला तिल वगैरह जो भी ये सब ना, ब्राह्मणों को भोजन सबसे बड़ा महत्व है। तो आप अगर ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते अपने घर पर, तो आप लोग सीधा उनको दीजिएगा, मतलब जो सीधा दिया जाता है ब्राह्मणों को, वो देना मत भूल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। और आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।